हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं रॉबिन आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। तो इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देयर विल बी थ्री टॉपिक्स, आई मीन थ्री करंट बर्निंग टॉपिक्स दैट आर करंटली गोइंग ऑन। तो पहला जो होगा हमारा वो होगा निपाह वायरस। हम सबको पता है कि केरला में कितने तेज़ी से इसके केसेस आ रहे हैं और इसका कोई भी क्योर अभी तक नहीं निकल पाया है। क्या है इसका बैकग्राउंड, किस तरीके से भारत में पहुँचा है और क्या इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, क्या WHO का कहना है, तो इन सभी बैकग्राउंड और एस्पेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। उसके बाद जो सेकेंड है हमारा वो है इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इन अरुणाचल प्रदेश। तो हमें पता है कि अरुणाचल प्रदेश एक बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टेरिटरी है, दोनों ही क्लेम करते हैं उसका एक दूसरे पर। तो इट्स बेसिकली अ कन्फ्यूजन कि किसके पास ये जाना चाहिए। तो अभी क्या हुआ है कि चाइना ने माइनिंग स्टार्ट कर दिया है अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए एरिया में, गोल्ड माइनिंग, जहां पर उनके जियोलॉजिस्ट ने ये पाया कि वहां पर सिल्वर और गोल्ड के बहुत सारे डिपॉजिट्स हैं। तो क्या है इसका ऑल बैकग्राउंड और क्या करंटली चल रहा है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड टॉपिक इज़ WHO बैंस ट्रांस फैट्स। तो इन तीनों टॉपिक को हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहला हम डिस्कस करते हैं निपा वायरस जो आउटब्रेक हुआ है, व्हाट इज़ दिस। तो ये सबसे पहले जो इसके केसेस पाए गए थे वो मलेशिया में पाए गए थे, और अभी क्या हो रहा है कि जो माइग्रेटरी बैट्स होती हैं, बेसिकली फ्रूट बैट्स की वजह से ये वायरस फैलते हैं। तो ये जहाँ पर मलेशिया में ये बैट्स हुआ करती थी, तो ये जैसे ही वहाँ पर जो डिफॉरेस्टेशन और जो क्लाइमेट चेंजेस आए हैं, तो उसकी वजह से ये जो बैट्स हैं ये ट्रेवल करने लगी हैं इंडिया के इन कोस्टल एरियाज़ पे। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी ज़्यादा इनके इफ़ेक्ट्स हुए हैं, और जितना भी ये इंडो एशियन यानी साउथ एशियन रीजन है, इसमें भी इनके बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। किस तरीके से ये फैलता है, हम इसी सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज़ निपा वायरस इन्फेक्शन। तो निपा वायरस क्या होता है, एक जूनोटिक डिजीज़ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होते हैं दोनों ही ह्यूमंस एंड एनिमल्स के अंदर। व्हाट इज़ जूनोटिक हेयर, तो जूनोटिक जो डिजीज़ होते हैं वो ऐसे डिजीज़ होते हैं जो ट्रांसमिट कर सकते हैं फ्रॉम एनिमल्स टू पीपल, या फिर ऐसे डिजीज़ जो एग्जिस्ट तो करते हैं एनिमल्स के अंदर बट ये इन्फेक्ट कर सकते हैं ह्यूमंस को भी। तो इन टाइप के जो डिजीज़ होते हैं इनको हम जूनोटिक डिजीज़ बोलते हैं, और निपा वायरस जो है वो एक जूनोटिक डिजीज़ ही है। इसके बाद ये जो फैलते हैं वो फ्रूट बैट्स की हेल्प से फैलते हैं, फ्रूट बैट्स में इनका ओरिजिन होता है, विच आर फ्रॉम दी पीटर ओपेडियोडेट फैमिली, और दी नेचुरल होस्ट होते हैं इस वायरस के। जो निपा वायरस का फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड केस आए थे वो साउथ एशियन WHO ने रिकॉग्नाइज किए थे, जहाँ पर एक बहुत ही लार्ज आउटब्रेक हुआ था, मतलब 265 लोग सस्पेक्टेड केसेस आए थे मलेशिया के अंदर, ठीक है, ड्यूरिंग द सितंबर 1998 टू 1999। सो जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स से इस डिजीज़ के वो क्या थे, कांटेक्ट में थे सिक पिग्स के, और या फिर उन लोगों के कांटेक्ट में जो कि निपा वायरस से ऑलरेडी इन्फेक्टेड थे। तो इन लोगों के बाद इस जो वायरस को रिकॉग्नाइज किया गया था, दैट इज़ इन 1998, और बहुत ही फेटल डिजीज़ था ये, उस टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा इसमें डेथ्स हुई थी। सो नाउ लेट्स डिस्कस दी ये किस तरीके से फैलता है, हाउ डज़ इट स्प्रेड। सो ये जो फ्रूट बैट्स होती हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कुछ ये फ्रूट बैट्स होती हैं, बेसिकली बैट्स ही होती हैं, बट इनके जो बॉडी पर बहुत ज़्यादा फर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फर्नीचर इनका स्ट्रक्चर होता है, और ये जो वायरस होता है बैट के यूरिन में या फिर सलाइवा में होता है या फिर बर्थिंग फ्लूइड्स में होता है। तो बेसिकली क्या होती हैं कि ये जो बैट्स होती हैं, जैसे कि केव्स वगैरह में होती हैं या फिर ये पेड़ों पर लटकती हैं, तो वहाँ पर जो फ्रूट्स वगैरह होती हैं वहाँ पर इनका ये यूरिन या फिर सलाइवा लग जाने की वजह से, अगर वो फ्रूट्स कंज्यूम कर लिए जाते हैं ह्यूमंस के द्वारा, तभी ये जो वायरस है ये स्प्रेड होता है। ये जो वायरस था, दैट वाज फर्स्ट अकर्ड व्हेन पिग्स इन मलेशिया फार्म केम इन कॉन्टैक्ट विद बैट्स हु लॉस्ट देयर हैबिटेट ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। मतलब मलेशिया में क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन हुआ था वहाँ के साउदर्न रीजन में, वहाँ पर काफ़ी अच्छा हैबिटेट था, बट ड्यू टू सम रीजंस डिफॉरेस्टेशन हुआ, इनके जो घर थे वो सब ख़त्म हो गए, तो उसके बाद इन्होंने माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया टू दी अर्बन एरियाज जहाँ पर पिग्स वगैरह को पाला जाता था। तो ये जो बैट्स थे ये कॉन्टैक्ट में आए पिग्स के मलेशिया में, और उसके बाद जो
पिक्स थे उनका ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन था, उनको एक कमर्शलाइजेशन के लिए भी यूज़ किया जाता था। सो दैट वॉज द रीज़न कि ये वायरस जो था वो बैट्स से पिक्स में आया और पिक्स से फिर ह्यूमंस की तरफ आने लगा। इट कैन ऑल्सो स्प्रेड वाया ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट। हमने बांग्लादेश और इंडिया में देखा है कि यहाँ पर रिपोर्ट्स निकल कर आई कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की वजह से भी ये वायरस फैल सकता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत होती है उन हॉस्पिटल वर्कर्स को जो कि उन इन्फेक्टेड पेशेंट्स की केयर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी होंगी। तो देखते हैं कि किस तरीके से ये आउटब्रेक होता है। तो पहले मैंने जैसे आपके साथ डिस्कस किया कि ये कुछ फ्रूट बैट्स होती हैं, ये पिक्स के कॉन्टेक्ट में आती हैं या इनको बाइट करती हैं। ठीक है, वैसे बेसिकली इनका कोई ऐसा रोल नहीं होता है कि ये हर पिक्स को या फिर एनिमल्स को या फिर ह्यूमंस को बाइट करती हैं। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जहाँ पर ये इनको बाइट करती हैं, बट जैसे ही ये वायरस पिक्स के अंदर आता है तो ये ह्यूमन कॉन्टैक्ट में आने के बाद और ये ह्यूमन फिर बाकी अपने आसपास के लोगों में ये सब ट्रांसमिट हो जाता है। जो प्रीवियस आउटब्रेक हैं वो आप चार्ट देख सकते हैं, जिसमें कि 66 केसेस आए थे और 45 क्या हुई, डेथ्स हुई। मतलब 68% जो केसेस आए उनमें से 68% डेथ्स हुई। सो दैट इज़ अ ह्यूज नंबर। सिम्टम्स जान लेते हैं कि निपा वायरस के सिम्टम्स क्या होते हैं। जो इन्फेक्टेड होते हैं उनको फीवर होता है, हेडेच होता है, ड्राउजीनेस मतलब आलस, बहुत कुछ काम करने का मन नहीं करता है, डिसओरिएंटेशन होता है, मेंटल कन्फ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता है, चीज़ें देख कुछ और दिखती हैं, कॉमा की कंडीशन भी बन जाती है और इन दी एंड पोटेंशियल डेथ के कारण बनते हैं। ड्यूरिंग दी आउटब्रेक इन मलेशिया हमने देखा था कि जो भी मलेशिया में आउटब्रेक हुआ था उसमें अप टू 50% क्लिनिकली जो अपेरेंट ह्यूमन केसेस थे वो मर गए थे। ठीक है, सो देर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अंटिल नाउ ऑफ निपा वायरस। द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ फॉर ह्यूमन केसेज इज़ इंटेंसिव सपोर्टिव केयर। मतलब क्या होता है, जो भी केसेस आते हैं और जो भी लोग इनसे पीड़ित होते हैं उनके जो सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने की कोशिश की जाती है, बट एज सच अभी तक ऐसा कोई क्योर नहीं मिला है जिससे इस डिज़ीज़ को सही किया जा सकता है। सो और कुछ जान लेते हैं, तो इसी अभी हम निपा वायरस में इतना ही डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल फॉर इंडियन परस्पेक्टिव, बिकॉज बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है इंडिया में। सो इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिक्वेस्ट की है अपने सिटीजन्स से कि प्लीज़ डू नॉट मेक एनी हाइपर कंडीशन, डू नॉट पैनिक। सो अगर पैनिक की सिचुएशन बनती है सो देयर कैन बी मोर यू नो क्रिटिकल थिंग्स अराउंड अस। सो दैट वॉज निपा वायरस। चलिए डिस्कस करते हैं द सेकेंड पार्ट, दैट इज़ इंडिया चाइना ऑन अरुणाचल प्रदेश गोल्ड माइन इशू। तो ये वो अरुणाचल प्रदेश का मैप है आपके साथ, जिधर इधर चाइना का एरिया है और इधर इंडिया अपना इस पर क्लेम करता है। तो अभी क्या हुआ है, जो चाइनीज जियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने इस रीजन में मतलब अरुणाचल प्रदेश से सटे हुए इस रीजन में माइनिंग शुरू कर दी है। ठीक है, तो माइनिंग शुरू करने से क्या हुआ है कि इंडिया के कंसर्न बहुत ज़्यादा गहरा गए हैं, क्योंकि अभी तक इंडिया क्लेम करता था कि अरुणाचल प्रदेश जो है इंडिया का है, बट चाइना क्लेम करता था कि भाई ये जो है वो साउथर्न तिब्बत है, ये हमारा एरिया है। सो अगर यहाँ पर इन्हें गोल्ड के डिपॉजिट्स या फिर सिल्वर के डिपॉजिट्स मिलते हैं सो देयर कुड बी एनी लार्जर प्रॉब्लम फॉर इंडिया, जहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, वो एकदम सो रहा है, उन्होंने कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाया, ना ही उन्होंने अपने जियोलॉजिस्ट भेजे हैं, ना ही यहाँ पर कोई ऐसी रिसर्च कंडीशंस उन्होंने डाली हैं। जब चाइना यहाँ पर इतना काम कर रहा है तो ऑब्वियसली इंडिया को भी यहाँ पर पहुंचकर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए बहुत जल्दी से। सो व्हाट इज़ द इश्यू, दैट चाइना हैज़ स्टार्टेड हिज लार्ज स्केल माइनिंग ऑपरेशन ऑन इट्स साइड ऑफ द डिस्प्यूटेड बॉर्डर विद इंडिया एंड हिमालयाज, वेयर अ ह्यूज ट्रोव ऑफ गोल्ड सिल्वर एंड अदर प्रीशियस मेटल्स वैल्यूड नियरली $60 बिलियन बाई चाइनीज स्टेट जियोलॉजिस्ट हैज़ बीन फाउंड। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट है उसकी लगभग बताई जा रही है, और जो इनके स्टेट जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने यहाँ पर इसको पाया और वहाँ पर बहुत तेज़ी से माइनिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। और चाइना यहाँ पर और भी बहुत सारी कंसर्न्स जता रहा है कि इन्होंने यहाँ पर इंडिया के इस टेरिटोरियल जो रीजन है, इसके डिस्प्यूटेड एरिया है, यहाँ पर पॉपुलेशन को भी इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया है, मतलब यहाँ पर लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर यहाँ पर लोगों की बसावट बढ़ने लगेगी तो चाइना बहुत इजीली क्लेम कर सकता है कि दिस रीज़न बिलोंग्स टू अस, आपका तो यहाँ पर कोई रहना जाना ही नहीं भाई, ये तो फिर ह्यूमैनिटेरियन इश्यू बन जाएगा। ठीक है, सो चाइना हैज़ स्टार्टेड टू सेंड ऑफ देयर पॉपुलेशन अराउंड दिस एरिया, क्योंकि वहाँ पर अब क्या है, माइनिंग स्टार्ट हो गई है, एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी अच्छी बन रही है,
सो लोगों को भी वहाँ पर जाने में प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही हाई एल्टीट्यूड एरिया है, ठीक है, हिमालयन रीजन है, तो हम सबको पता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो चाइना ने यहाँ पर लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, और इसके बाद क्या होगा, चाइना अपना क्लेम और स्ट्रॉन्ग कर देगा, क्योंकि पता है कि इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी बन सकती है यहाँ पर। और इंडिया ने अभी तक ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया है कि वो यहाँ पर या तो अपनी पॉपुलेशन भेजे, लोगों को भेजे, या फिर कोई ऐसा माइनिंग वाला स्ट्रेटेजी कुछ अपनाए। तो ये था इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ इन द अरुणाचल प्रदेश ड्यू टू द गोल्ड माइन इश्यू। तो चलिए उसके बाद थर्ड टॉपिक देखते हैं। द थर्ड वन इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बैंस ट्रांस फैट। तो क्या इश्यू है, हम इसको डिस्कस करते हैं कि क्या आखिरकार हुआ है। सो क्या हुआ है कि फॉर द फर्स्ट टाइम किसी ग्लोबल हेल्थ ऑफिशियल ने कंट्रीज से पूछा है कि आप कंप्लीटली बैनिश कर दीजिए किसी इंग्रेडिएंट को, तो और कौन किसी मतलब अपनी फूड सप्लाई से, ठीक है। सो WHO लॉन्चेस प्लान रिप्लेस टू एलिमिनेट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स फ्रॉम द ग्लोबल फूड सप्लाई बाई 2023, ठीक है, मतलब 2023 तक कम्प्लीटली रिप्लेस नाम का एक इन्होंने प्लान लॉन्च किया है, जिसमें कि जो भी आर्टिफिशियल ट्रांसफैट्स होते हैं उसको ग्लोबली एलिमिनेट किया जाएगा बाई 2023। तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और इसको एस्टेब्लिश किया जाता गया था 1948 में। उसके बाद पहले ही जानते हैं कि एक्चुअली ट्रांसफैट्स होते क्या हैं। सो डेनमार्क वॉज दी फर्स्ट कंट्री जिन्होंने एलिमिनेट किया था कम्प्लीटली ट्रांसफैट को फ्रॉम दी फूड सप्लाई इन 2004। और उसके बाद क्या हुआ था, जो बाकी की यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ थी उन्होंने फॉलो किया था इस सेम क्राइटेरिया को, बिकॉज वी ऑल नो दैट ट्रांसफैट्स क्रिएट्स अ ह्यूज डिजास्टर इन द कार्डियक काइंड ऑफ थिंग्स। सो द अपोज ऑफ ट्रांसफैट्स वॉज बिगन बाई पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स आफ्टर द रिसर्च वेयर इट शोन दैट ट्रांसफैट कैन कॉज कॉरोनरी हार्ट डिजीज एंड हार्ट अटैक, ठीक है। सो दैट वॉज द रीज़न जिस तरीके से इन चीज़ों को पब्लिकली इश्यू किया गया, इनको डिस्कस किया गया, इनकी इनको लोगों को अवेयर कराने की कोशिश की गई। सो नाउ क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रांसफैट से, बट जो भी इन्होंने एफर्ट स्टार्टिंग में डाले थे, कोई भी ऐसा एफर्ट जो था उसे इवनली स्प्रेड नहीं किया जा सका पूरे ग्लोब पे, और इन दी नॉर्थ अमेरिका, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया पर्टिकली पार्शियली हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल्स दैट कंटेन ट्रांस फैट्स आर यूज इन होम्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स। जैसे साउथ एशिया की मैं बात करूँ, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइड्रोजनेटेड कुकिंग ऑयल्स यूज़ होते हैं जिसमें ट्रांस फैट यूज़ होता है, एंड विच इज़ रियली रियली बैड फॉर हेल्थ। एंड नाउ दी ट्रांसफैट इज थ्रो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एन एस्टिमेटेड, मतलब इतनी लोगों की प्रीमेचर डेथ हो चुकी हैं, अप्रोक्स 5 लाख लोग हैव डाइड ड्यू टू दिस रीजन, दैट इज ट्रांसफैट प्रॉब्लम्स, जिसमें कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर हार्ट अटैक टाइप की चीज़ें आती हैं। एंड दिस इज द डेटा दैट वॉज गिवन बाई द WHO, और जो एक्चुअल डेटा होगा हो सकता है वो ज़्यादा भी हो। सो नाउ देर आर सम स्टेप्स दैट हैज़ बीन टेकन बाई दी WHO। दी कैंपेन दैट वॉज रिप्लेस प्रोवाइड्स अ स्टेप बाई स्टेप गाइड इन 6 स्ट्रेटेजिक एक्शंस द पैकेज टू इंश्योर प्रॉम्प्ट कंप्लीट एंड सस्टेन एलिमिनेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स दैट कंटेन्स ट्रांसफैट, ठीक है, फ्रॉम द फूड सप्लाई। तो इन्होंने एक 6-pack स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटजी दी है जिसमें स्टेप बाई स्टेप्स कुछ स्टेप लिए जाएंगे, जिसमें जिसका नाम है रिप्लेस। तो उन सभी को आप अगर देखना चाहें तो क्या स्टेप्स हैं आप गूगल पर देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही प्रॉम्प्ट एंड कंप्लीट सस्टेन एलिमिनेशन की स्ट्रेटजी इन्होंने अपनाई है ताकि ट्रांसफर प्रॉब्लम को ग्लोबली फूड सप्लाई से एलिमिनेट किया जा सके। सो क्या है इसमें इंडिया का पर्सपेक्टिव, इंडिया में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, दैट इज़ FSSAI, ये मेजर करता है, इनके कुछ गाइडलाइंस है, दैट इज़ टू रिड्यूस द परसेंटेज ऑफ ट्रांसफैट्स इन द प्रोडक्ट्स टू 5% तक ट्रांसफैट्स रखने चाहिए, एंड दी मैंडेटरी डिक्लेरेशन होना चाहिए क्वान्टिटी ऑफ ट्रांसफैट्स का ऑन दी प्रोडक्ट लेवल्स। बट कभी कभी ऐसी कंपनीज बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश करती हैं, वो ट्रांसफैट्स को लिख देती हैं हाइड्रोजनेटेड फैटी एसिड्स, सो पीपल वोंट अवेयर ऑफ दोज थिंग्स। सो दैट वॉज द रीज़न दैट WHO ने क्यों अपने डेटा के आधार पर, जिसमें उन्हें बहुत ज़्यादा फेटल इंसिडेंट्स नज़र आए जहाँ पर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हो रहे थे, हार्ट अटैक्स की वजह बन रहे थे ये ट्रांसफैट्स। सो दैट वॉज दी थर्ड केस, एंड ठीक है फ्रेंड्स, इस सेशन में इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ द सेम टाइप दैट वेयर वी विल बी डिस्कसिंग सम बर्निंग टॉपिक्स। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, टेक केयर, बाय बाय।